सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशक शिक्षा अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को आवश्यकता के अनुसार उपकरण वितरण किए जा रहे हैं। इसी के चलते गुरुवार के दिन जन शिक्षा केंद्र बागली में विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कमल यादव की उपस्थिति में दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण किए गए। इस दौरान सभी अतिथियों द्वारा इस योजना के बारे में बताया गया। वह बागली विकास खंड के सभी चिन्हित दिव्यांग बच्चे अपने परिजनों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्हें आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपकरण वितरण किए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से चिन्हित 47 बच्चों को आवश्यकता के अनुसार उपकरण वितरण किए गए। इस दौरान अतिथियों द्वारा सभी दिव्यांग बच्चों का पुष्पमाला से स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। शासन की योजना अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत आज उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें इस अभियान की आज शुरुआत की गई। ये लगातार 6 दिन तक चलेगा, जिसमें हमारी सरकार की सोच है कि गरीब बच्चे, दिव्यांग बच्चों और साथ साथ उनके जो पालक है, सभी आज उपस्थित रहे और इनका सहयोग हमारी सरकार हमेशा करती आ रही है और हमारे विधायक जी, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब इनके साथ हैं। जिले के 6 विकास खंड में से शुरुआत बागली से की है। आज यहाँ 47 बच्चों को, जिनका जुलाई माह में चिन्हांकन किया गया था, विभिन्न दिव्यांगता की श्रेणियों में उनको उपकरण वितरण कर रहे हैं, जिसमें ट्राईसाइकिल है, हियरिंग एड्स हैं अपने कान वगैरह में जो वो रहते हैं, सुनाई में कम देता है जिनको, इस तरीके के सभी उपकरण उन बच्चों को प्रदाय किए गए हैं। 47 बच्चे इसमें चिन्हांकित किए गए हैं, जिनको एलमिको के माध्यम से, जिनका मेजरमेंट जुलाई माह में किया गया था, उनकी आवश्यकता अनुरूप उनको उपकरण दिए गए हैं। सर, आगे भी यदि कहीं ऐसे बच्चे मिलते हैं तो उनको भी उनका चिन्हांकन प्रतिवर्ष किया जाता है इस शिविर के माध्यम से जुलाई माह में, उनको इसी जनवरी माह में उपकरण सामग्री दी जाती है। जब भी आवश्यकता लगेगी, जिन बच्चों को आपको लगता है कि जो चिन्हित हो सकते हैं, उन्हें BRC कार्यालय में चिन्हित कराएं और पोर्टल पर दर्ज कराएं, उनको आवश्यकता अनुसार सामग्री वितरित की जाएगी। शासन की महत्वपूर्ण योजना है CWSN, जिसके अंतर्गत इन बच्चों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है और सामग्री भी दी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।